फॉलो करो। मोहन जी स्माइल लगी सर हेलो एवरीवन गुड इवनिंग। तो मैं एसआर बैंकरिया और बेसिकली आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज़ माय एल्बम, अपकमिंग एल्बम स्लैंग ऑन एंटी नेशनलिस्ट। एंड वन मोर थिंग दैट आई एम गोना अनाउंस अपकमिंग वेब सीरीज दैट इज़ होम एलोन। सो वी गोना शूट इट ऑन नेक्स्ट अगस्त। एंड मेरा आइडिया इसको करने का एक बेसिकली ये था कि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि अपनी पर्सनल ग्रज को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। इट मे बी एनी थिंग वॉट एवर, बट मैं ये चाहता हूँ कि यार बाकी सब चीज़ें अलग है, बट जो नेशन है, नेशन इज़ बेस्ट ऑलवेज। तो हमें अपने नेशन को हमेशा फर्स्ट रखना चाहिए, वी शुड नॉट कीप इट सेकेंडरी। तो इसमें कुछ रैप्स है मेरे एंड कुछ मेलोडीज़ है, तो लेट्स गो नाउ बी यू कैन लिसन इट एट माय ऑफिशियल पिनाक स्टूडियो यूट्यूब चैनल। And next, all yours. Okay. And she is Rajni Mehta, and she is playing lead against me in my upcoming web series, Home Alone. Yes. आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम है, कैसे आप collaborate किया उनके साथ में? एक्चुअली मेरा नाम रजनी मेहता है और मैं इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, एक्चुअली अभी से नहीं। और वैसे तो मैं काफ़ी सारी मूवीज़ कर चुकी हूँ एज अ लीड, पर इनके साथ पहली बार काम करने जा रही हूँ और हम एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। नथिंग एनीथिंग एल्स। जो ये है मतलब ये अनाउंसमेंट है, हाँ जी, होम एलोन, होम एलोन, होम एलोन, मतलब किस तरह की स्टोरी है, म्यूजिक है? ये एक्चुअली थ्रिल है, सस्पेंस है और सम हाउ ड्रामा है। तो दैट नेक्स्ट आप लोग देखेंगे आगे जब वेब सीरीज आएगी तो उसमें आपको मिलेगा। एंड वी गोना लॉन्च अ ट्रेलर बिफोर रिलीजिंग इट, so that you will get much more idea about that. इसके बारे में बताएं, slang on anti-nationalist. So ये जो idea मैंने पहले भी बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि यार हमें अपने nation के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि that वो यहाँ पे अपने nation में, हमारे nation में जन्म लेते हैं, मीन्स सबका ही nation है तो हमारे nation में जन्म लेते हैं, यहीं पे पलते बढ़ते, यहीं पे खाते पीते सब कुछ। कौन हमें, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा nation। तो बेसिकली जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसी को भूल जाते हैं, लाइक हम उसको सेकेंडरी कर देते हैं। यार नेशन इज़ इट्स ओके, नेशन इज़ इट्स ओके, बट हमारी पर्सनल थॉट्स, हमारी पर्सनल चीज़, यार मुझे तो ये करना है। अब एनी हाउ मुझे इसके लिए अगर करप्शन भी करना पड़ा तो मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, बिकॉज तुम अगर पहचाने जाते हो कहीं भी तो तुम्हारे नेशन की वजह से पहचाने जाते हो। तो मेरा बेसिकली आइडिया है, इसमें मैंने कुछ स्लैंग्स रैप यूज़ किए हैं, दैट देयर इज अ सॉन्ग हिंदुस्तानी, तो उसमें कुछ स्लैंग्स यूज़ किए हैं दैट मैं, मेरे लिए अगर कोई नेशन के खिलाफ है तो वो मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं यही चाहता हूँ यार तुम कुछ भी करो, अपनी पर्सनल लाइफ सबकी होती है, तो जस्ट बी लॉयल फॉर योर नेशन। इसकी दो गाने हैं, लाइक स्लैंग ऑन नेशनलिस्ट का पहला एक तो फेयर सॉन्ग है, दैट्स वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। एंड द नेक्स्ट वन इज जो स्लैंग वाला है वो, इट इज़ लाइक दैट कि यार लड़ना होगा, भिड़ना होगा, डर छोड़ के बढ़ना होगा, लड़ना होगा, भिड़ना होगा, डर छोड़ के बढ़ना होगा, अपनों से मक्कारी कैसी, हिंद से गद्दारी कैसी, अपनों से मक्कारी कैसी, हिंद से गद्दारी कैसी, तेरी आँखों पे पट्टी है क्या, तू इंसानी टट्टी है क्या, तेरी आँखों पे पट्टी है क्या, तू इंसानी टट्टी है क्या, क्या टट्टी है क्या, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली मेरा थॉट यही था इसको क्रिएट करते टाइम कि यार तुम सीरियसली तुम क्या सोचते हो, क्या सोच क्या रखते हो अपने नेशन के बारे में।
तो लाइक अपना अपना तरीका होता है स्लैंग करने का, कोई डायरेक्टली स्लैंग करता है, बट आई हैव नॉट दैट नेचर। मैं मेरा एक तरीका है कि यार मैं या तो अपनी पोएट्रीज के थ्रू किसी को स्लैंग करता हूँ, या फिर अब नाउ रिसेंटली आई एम डूइंग विद दिस एल्बम। सर आपके सेकंड गाने की बात करें, स्लैंग ऑन एंटी नेशनलिस्ट, जी कब दिमाग में आया किस तरह का गाना बनाना, ऐसा कोई स्टोरी आपने देखा होगा या कोई आजकल देश का माहौल भी कुछ ऐसा है? हाँ बेसिकली नॉट आजकल जो माहौल है उससे लेके नहीं, ये काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था। तो लाइक जैसे कि बेसिकली इनिशिएशन वाज फ्रॉम पुलवामा अटैक, बट दैट टाइम आई वाज नॉट मीन्स मैं यार ठीक है ओके हो जाएगा, गवर्नमेंट है कर रही है सब कुछ कर रही है, तो फिर बट यार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कम तो नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं जब देखने को आता है कोई भी चीज़ आती है तो हम बेसिकली एक नेशन नेशन एक एक टाइम तक लेके चलते कि हाँ नेशन ओके नेशन, बट फिर उसको भूल जा रहे हैं। देन आई डिसाइडेड कि यार अभी बेसिकली 15 अगस्त आ रहा है, तो मैं क्या यार ये सही टाइम है, वी शुड गो अहेड विद इट। इसके पहले आपने क्या क्या कुछ किया है उसके बारे में बताइए। इसके पहले मैंने एक मूवी की है बट दैट्स रिलीज नहीं हुई वो, और उसके पहले फिर मैंने एक सीरियल किया था 6-7 महीने तक टेलीकास्ट हुआ था। देन रिसेंटली आफ्टर लॉकडाउन यू ऑल नो व्हाट इज़ लॉकडाउन एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री, सो रिसेंटली आई एम डूइंग क्राइम एपिसोड एज अ लीड। एंड अभी आपने कहा कि आप वेब सीरीज भी अनाउंस कर रहे हैं, तो वेब सीरीज के बारे में बताइए, कलाकार कौन होंगे, क्या स्टोरी होगी? या दैट इज टू आर्टिस्ट स्टोरी, मी एंड शी, एंड दैट्स थ्रिल ड्रामा एंड सस्पेंस, but I cannot disclose more thing about my web series, so that whenever we will launch it as a trailer, then you will come to know. मैं अपने बारे में बताइए, आपने मतलब स्टार्टिंग कहाँ से किया, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। जी मैं छोटी थी तब से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, मैं तब लीड तो नहीं करती थी, छोटे छोटे से कैरेक्टर्स करती थी, बट उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लीड करना। एज एन लीड मैंने भोजपुरी पवन सिंह के साथ की है, उसके बाद फिर रवि किशन के साथ की है, फिर हिंदी की, साउथ की, पंजाबी की, अभी भी मैं रिसेंटली मूवी और क्राइम सीरीज कर रही हूँ। इनके साथ जुड़ने का मतलब ये क्या, मैं ट्रिब्यूट करना चाहते हैं मतलब नेशनल जो जिस तरह, डेफिनेटली बिकॉज इन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है पब्लिक भूल चुकी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग चाहते ही हैं लेकिन कर नहीं रहे, तो उन तक एक मैसेज पहुंचाना, उनको एक फिर से जगाना कि तुम वो चीज़ करो, अपने अंदर नेशनैलिटी लाओ, लोगों के लिए अपने प्रति जताओ, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसके थ्रू हम वो चीज़ उनको बता रहे हैं। कभी तक मतलब शूट होगा, मतलब देखने को मिलेगा म्यूजिक वीडियो सून, वी आर कहाँ पे शूट करने वाले हैं? जैसे ये तो नेशनल है तो मतलब इसमें, हाँ ऑब्वियसली दैट एक्चुअली नेशनल तो है, बट इसमें जो चीज़ें जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ वो हमारी आम समस्या हैं, आम लोगों से रिलेटेड है। तो मेरा बेसिकली आइडिया कि यार हम लोग बहुत सारे लोग हैं, आप भी हो मैं भी हूँ उसमें इंक्लूड, तो हम लोग क्या करते हैं समस्याएँ देखते हैं देश की, बस देखते हैं, बट हम खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, हम सोचते कि यार वो करेगा सरकार करेगी, या हम सोचते कि अगर आर्मी है तो आर्मी ही करेगी, नहीं समहाउ हमारा भी एक्टिवनेस होना उसमें ज़रूरी है। तो दैट आम लोगों से रिलेटेड है, तो ओब्वियसली इसमें आम लोगों के बीच में जाके शूट होगा, सम इन इन आउट डिपेंड्स, विल डिसाइड मोर थिंग्स। आपको लगता नहीं मतलब जिस तरह से म्यूजिक वीडियो से ट्रेंड कर रहा, मतलब लोग आए दिन बना रहे हैं उससे और हटके भी एक मैसेज रैप के थ्रू मतलब कोई मतलब होता ना एक नेशनल लेवल पे मैसेज देते हैं, तो यही थॉट है आपका पूरा मतलब कॉन्सेप्ट, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया एक्चुअली। मतलब जो होता है ना रैप की वजह से मतलब कुछ होते हैं लोगों के अंदर जो होता है एक मैसेज कहना चाहते हैं पब्लिक मतलब अपने बारे में, डेफिनेटली ये सॉन्ग वही बता रहा है लोगों को, जो रैप किया गया है प्रॉपरली उसमें वर्डिंग्स जो हैं वो वही हैं कि लोगों को ये बताया ही जा रहा है। एक्चुअली यू हैवंट लिसन द फुल सॉन्ग, आप एक बार पिनाकी स्टूडियो चैनल मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे उसको सुनेंगे तो यू विल गेट बेटर आइडिया अबाउट दैट। या मेरी नज़र में इंटरनेशनल हर एक वो इंसान है जो अपने नेशन के बारे में गलत सोचता है, चाहे फिर वो करप्शन कर रहा है या फिर वो लाइक नेशन के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें बोल रहा है, या हमारे जो नेशनल रिमार्क्स है लाइक जो हमारे नेशन को लाइक ताजमहल को ले लो आप, लोग ताजमहल को भी गाली देते हैं, लोग वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई उसको भी गाली देते हैं, तो लाइक जो भी
नेशन से रिलेटेड चीज़ें, लोग वंदे मातरम गाने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे नेशन में जिनको वंदे मातरम से बड़ा ऐतराज होता है यार हम क्यों गाएं। सो वो सब लोग मेरे लिए एंटी नेशनलिस्ट है भाई। नेशन मीन्स वन। अब आपकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज हो सकती है, आपकी अपनी पर्सनल थॉट्स हो सकती है, बट नेशन इज नेशन, नेशन इज वन। अगर आपने इस नेशन में जन्म लिया है तो ये आपका दायित्व है कि आप इस नेशन के प्रति वफादार रहो। तो मेरे लिए हर एक वो बंदा एंटी नेशनलिस्ट है जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, बेसिकली नेशनल चीज़ों को, जो नेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको। तो कितने गाने हैं इसमें? इसमें टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। अच्छा, अलग अलग हैं सब? हाँ, पांचों अलग अलग हैं। और अलग अलग मूड के हैं कि कुछ अलग है? हाँ, ऑफ कोर्स डिफरेंस तो है। एक जो बेसिकली जो मैंने अभी आपको पहला वाला सॉन्ग सुना था वंदे मातरम, सो इसमें कोई गाली वाली कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स प्योर सॉन्ग, इट्स रियली नाइस, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो ये सॉन्ग। बात करें मतलब जिससे सिद्धू मूसे वाला था, एक अपनी स्टोरी होती थी या पॉलिटिकल मतलब होता था, एक मैसेज देता था। मैं बेसिकली इसमें किसी कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर कास्टिज्म को लेके नहीं चल रहा हूँ मैं। मेरा बेसिक आइडिया सिर्फ नेशन है। ओके, राइट। भाई सर, मतलब आपके थॉट होगा तो दिमाग में होगा ना कोई स्टोरी होगी जो हम पब्लिक के गाने के थ्रू कह सकते हैं? हाँ, दैट इज़ ओनली आई एम सेइंग आप एक बार गाना सुनेंगे तो देन यू विल गेट बेटर आइडिया। थॉट है उसमें बेसिकली, बिना थॉट के कोई भी सॉन्ग है नहीं मेरा। आपकी कोई ऐसी कहानी तो नहीं है मतलब वही पांच गाने में से एक गाना कोई नहीं कर रहा है तो कहने मेरी कहानी के ऊपर तो मैंने अभी तक कोई गाना बनाया नहीं है, जब बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो मोस्ट